दोस्तों, ये वेलकम आरके साथ थिएटर रूम। आरके साथ पे लगातार एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स लेकर चलता रहता है, और जो भी एक्टिंग से रिलेटेड खास टिप्स होते हैं उनकी सही जानकारी और सही तरीका मैं आपको बताता रहता हूँ। कई बार मैंने कुछ ऐसे भी वीडियो बनाए हैं जो जो लोग अपना एक्टिंग करियर आगे बढ़ाना चाहते हैं या एक्टिंग लाइन को अभी भी ज्वाइन कर रहे हैं, उनके जहन के अंदर क्या क्या सवाल आते रहते हैं और वो किस तरह के सवालों से कई बार फ्रस्ट्रेशन में आ जाते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि मैं आगे कदम उठाऊं कि ना उठाऊं। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो इसी पर बेस है कि हाउ टू बिकम सक्सेसफुल एक्टर या एक्ट्रेसेस। अगर आपको एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना है, सफल अभिनेता या अभिनेत्री बनना है बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के अंदर, तो आपके जहन में क्या क्या सवाल आते होंगे और क्या क्या मैं उनके सॉल्यूशन दूंगा। ठीक है, कई तरह के लोग मुझे बाकायदा हमारे इस चैनल पर जो है आपके लोग कमेंट करते हैं, कमेंट करके बताते भी हैं कि सर हम ये सर मेरे पास पैसे नहीं है, सर मेरी एजुकेशन 10वीं पास है, सर फैमिली सपोर्ट नहीं है मेरे पास, सर मैं कैसे मुंबई के लिए ऑडिशन दे सकता हूँ। कई तरह के सवाल आते हैं जहन के अंदर। दोस्तों, ये तो मैं मोटे मोटे तौर पर कुछ सवाल मैंने यहाँ पे लिखे हैं ताकि जो मुझे भी ध्यान रहे बताते हैं और मैं आपको उनका थोड़ा एक रास्ता बता सकूँ ताकि आप जो है थोड़ा सा अपने आगे बढ़ सके अपने करियर को। दोस्तों, ये उन्हीं के लिए वीडियो है जो लोग फिल्म इंडस्ट्री के अंदर एक्टर या एक्ट्रेसेस बनना चाहते हैं। अगर आप सच्चे मेहनत से लगन से आप मुंबई इंडस्ट्री के अंदर काम करना चाहते हैं या फिर अगर वहां भी नहीं काम करना पा रहे हैं तो अपने जो आपके इलाके की जो भी कह सकते हैं कि क्षेत्रीय फिल्में होती हैं उन पर भी काम जाए कर सकते हैं आप। कई तरह के सवाल जो उठते हैं, तो सबसे पहले सवाल ये आता है कि कई लोग कमेंट करके कहते भी हैं कि सर मैं छोटे से शहर से हूँ, मैं छोटे से गांव से हूँ, छोटे से कस्बा है हमारा, सर हमारे आसपास जो है जहाँ मैं रहता हूँ जिस शहर में रहता हूँ वहाँ पर कोई ऐसा मंच नहीं है जहाँ मैं थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकूँ या एक्टिंग क्लास ज्वाइन कर सकूँ। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि अगर छोटे शहर से कैसे फिल्मों में जा सकता हूँ। देखिए, अगर आप किसी भी शहर या गाँव में रहते हैं तो सबसे पहली बात यह है कि दोस्तों आपको फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के लिए उस जगह पर जाना ही पड़ेगा। आप चाहे कहीं भी रहते हो, किसी भी गांव के छोटे से कस्बे में रहते हो, छोटे से गांव में रहते हो, लेकिन आपको काम की तलाश में तो आना ही पड़ेगा ना। अगर कोई कहे शख्स कि मैं बिहार के एक छोटे से गाँव में रहता हूँ तो वो भी मुंबई या दिल्ली काम करने की तलाश में आता है, तो सबसे पहली बात तो यह है कि अपने जहन में फिट कर लीजिए इस बात को कि आपको काम करने के लिए चाहिए काम करना या फिर आप काम करना चाहते हैं, फिल्म इंडस्ट्री के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप वहां से निकल कर उस शहर तक पहुंचे। उसके बाद क्या आगे क्या कड़ी होगी वो मैं आपको इसमें भी क्लियर करता चला जाऊंगा। ठीक है, यहाँ पर यह सवाल क्लियर होता है, कहीं से भी हो आपको वहां जुड़ना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा। अच्छा, अब कि कई लोग ऐसे हैं जो शहरों में रहते हैं जो मुंबई नहीं पहुंच पा रहे, तो उनके लिए क्या है, घर से ऑनलाइन ऑडिशन। दोस्तों, अभी क्या है, कोरोना चल रहा था और इस दौरान इंडस्ट्री ने थोड़ा सा बदलाव किया कि ऑनलाइन ऑडिशन की प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। अभी हाल ही में क्या है कि कई जगहों पर ऑडिशन कॉल हो रही है, कास्टिंग कॉल हो रही है, वो किस लिए कि अगर आप रोल में फिट बैठते हैं तो आप जो है शॉर्टलिस्टेड की जाएंगे, उसके बाद आपको ऑडिशन होगा, उसके बाद आपको काम मिल जाएगा। ये किस तरह से होगा, ये इस तरह से होगा कि जो भी रिक्वायरमेंट मांगी गई है उसके अकॉर्डिंग आपको अपना एक दो से तीन फोटोज, अपना एक इंट्रोडक्शन लिंक और अपना वर्क एक्सपीरियंस अगर आपको आपके पास है, अगर फैशन में है तो कोई दिक्कत नहीं, आप अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए। और अगर आप शॉर्ट लिस्टेड होते हैं तो ऑडिशन कॉल आपके पास आएगी और जब वहां पर आपका ऑडिशन होगा तो हो सकता है वहां पर सिलेक्ट हो गए तो आपको काम मिल जाएगा। यहाँ पर ये क्लियर होगा कि आप घर से बैठ के भी ऑनलाइन दे सकते हैं। कई बड़े बड़े मुंबई के अंदर कास्टिंग डायरेक्टर हैं, फिल्म प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, कास्टिंग डायरेक्टर जो उनके ऑफिस हैं, तो वहां पर भी जाकर आप उनके साथ मिल सकते हैं, काम कर सकते हैं। और ये है कि दोस्तों मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है कि और जो ऑडिशन डायरेक्टर थे, कास्टिंग डायरेक्टर थे, उनके ऑफिस का आप मेरे इस लिंक बॉक्स में जो डिस्क्रिप्शन का बॉक्स है उसके अंदर सारे काम के हैं, उनमें से एक पे आपको मिल जाएगा कि ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर है, ऑडिशन ऑफिस कहाँ पर। ठीक है,
तीसरे नंबर पे पहले सोचे करना क्या है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है। अगर आप सिर्फ देखिए, मैं एक्टर एक्ट्रेसेस की बात कर रहा हूँ, अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें कैटेगरी होती है, एक होता है सुपरस्टार, एक होते हैं एक्टर एक्ट्रेसेस और एक होते हैं करेक्टर आर्टिस्ट दोस्तों, और चौथे होते हैं क्राफ्ट दोस्तों। ये सब के काम अलग होते हैं, हर कोई सुपरस्टार नहीं बन सकता, हर कोई एक्टर नहीं बन सकता, हर कोई करेक्टर आर्टिस्ट नहीं बन सकता, हर कोई क्राउड के अंदर खड़ा नहीं हो सकता। हर किसी की मंजिल अलग है। सबसे पहले आप खुद से सोचिए कि मुझे करना क्या है। अगर मैं सुपरस्टार की बात करूं तो इसमें शाहरुख खान आते हैं, सलमान खान आते हैं, अक्षय कुमार आते हैं, तमाम बड़े बड़े एक्टर आते हैं जो कि सुपरस्टार कहे जाते हैं। एक्टर एक्ट्रेसेस की बात की जाए तो इसमें नॉर्मल एक्टर भी आते हैं, जिसमें मनोज वाजपेयी जैसे एक्टर है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे एक्टर है, ठीक है। और अगर करेक्टर आर्टिस्ट की बात करें तो इसमें पंकज त्रिपाठी जैसे एक्टर है, और क्या कहते हैं, और कई सारे एक्टर हैं जो इसी तरह के जो फिल्म के एक्टर जो होते हैं उनके साथ सपोर्टिंग रोल में आते हैं और काम करते हैं, वो करेक्टर आर्टिस्ट होते हैं जो लोग करेक्टर निकाल कर आते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये बात होती है। और क्राउड के लिए दोस्तों आप कहीं भी काम कर सकते हैं, आपको कहीं भी काम मिल जाएगा, लेकिन आपकी मंजिल क्या, आपका गोल क्या है, ये आपको पहले सोचना पड़ेगा और उसी के हिसाब से काम कीजिएगा। अगर आप एक्टर बनना चाहते हैं, आप सुपरस्टार बनना चाहते हैं, आप करेक्टर आर्टिस्ट बनना चाहते हैं, तो ये सोचना पड़ेगा कि आपको उसी की तरह से आपका काम करना पड़ेगा। आपका वर्कआउट, आपके जिम, डाइट, आपकी पर्सनैलिटी ऐसी करनी पड़ेगी। अब इसके बाद चौथे नंबर पर क्या आता है, चौथे नंबर आर्टिस्ट कार्ड। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल क्या है, हर कोई जब मुंबई पहुंचता है, कोई फिल्म इंडस्ट्री को ज्वाइन करता है, तो पहले कहा जाता है भैया आपके पास आर्टिस्ट कार्ड है कि नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड जरूरी है, मैं ये नहीं कहता कि आर्टिस्ट कार्ड जरूरी नहीं है। आर्टिस्ट कार्ड किस लिए होता है, ये इसलिए होता है कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ हो, आपको कहीं से पैसे नहीं मिलते, आपकी एक आइडेंटिटी होती है, आपका एक पहचान पत्र होता है, आप जो है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, वहां के लिए काम करते हैं, आर्टिस्ट कार्ड उसके लिए जरूरी होता है। अब आप पहली बार मुंबई गए हैं, जाके आर्टिस्ट कार्ड बनवा लेते हैं, 2-3 लाख रुपए लगा देते हैं, 10-15 हजार जो भी लगता है लगा देते हैं, काम मिले नहीं, फिर फायदा क्या। दोस्तों पहले छोटे मोटे काम कीजिए, आर्टिस्ट कार्ड थोड़ा सा बाद की बात है, ठीक है। आप गए, आपको काम नहीं मिला 2 साल तक, उसका फायदा क्या आर्टिस्ट कार्ड में। तो पहले जो है आप पहले काम कीजिए, पहले काम मिलेगा आपको, काम कीजिए, काम करते करते आपको लगे कि हाँ भाई थोड़ा बहुत काम मिलते हैं, थोड़ा सा सुख रहा है, अब देखो आर्टिस्ट कार्ड बनाना चाहिए। आर्टिस्ट कार्ड जब बनवाएंगे तो आपके साथ वो संगठन खड़ा होगा। अगर आपके साथ कोई भी कहीं भी कोई कोई सही व्यवहार नहीं होता है, आपके साथ खाना पीना नहीं आता, कोई शूट नहीं आता है, आपके साथ कोई दूसरा और नहीं, तो आपका जो संगठन होगा आर्टिस्ट कार्ड वाला, वो आपको ठीक जरूरी होता है, ऐसी बात नहीं है। उसके बाद ऑडिशन के लिए पैसे नहीं। दोस्तों ये एक सबसे बड़ा सवाल है। एक छोटे से छोटे गांव में रहने वाला शख्स और एक शहर में रहने वाला शख्स, उसके जहन में ये होता है कि भैया मैं ऑडिशन देना चाहता हूँ, क्या इसके लिए 500 रुपए फीस लूं। कई लोग 300 रुपए फीस लेते हैं, कई लोग 500 रुपए फीस लेते हैं, कई लोग 1000 रुपए फीस लेते हैं, और शहरों में घूम घूम के, कस्बों में घूम घूम के रजिस्ट्रेशन के नाम पर पैसा मांगते हैं और कहते हैं कि बड़ी फिल्म है, बड़ी फिल्म के लिए मुंबई आ रहा काम, और वहां के लिए ऑडिशन हो गए 500 रुपए दीजिए, आप 500 रुपए दीजिए, ऑडिशन बुक कराइए, आप ऑडिशन लेंगे, आपका जो है ऑडिशन मुंबई जाएगा, 500 रुपए लेंगे आपसे, फिर क्या ठन ठन घूम पा, कुछ नहीं होता, उनका नंबर ही बंद हो जाता। तो आप पहली बात तो यह है कि दोस्तों जो भी फिल्म, टीवी सीरियल, वेब सीरीज, शॉर्ट फिल्म के लिए जो भी कास्टिंग होती है, जो भी ऑडिशन होते हैं, उसके लिए पैसे कभी नहीं दिए जाते, ना भी मांगे जाते हैं, ठीक है, क्लियर बात। दूसरी बात होती है कि आपको जो है जैसे कोई मॉडलिंग हो गई या कोई कॉम्पिटिशन हो गया, उसके जो ऑडिशन होते हैं उसके लिए कुछ पैसे होते हैं, कुछ रजिस्ट्रेशन चार्जेस होते हैं, वहां पर आपको पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन आपको कोई कहते हैं कि भाई मुंबई के लिए आप कास्टिंग करने आए हैं और पैसे दीजिए, आप रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना ये कराइए, वो कराइए, और पैसे जो है दे दिया आपने,
उसके बाद आप भैया एक्टर बन गए, तो ऐसा कुछ होता है। सिंपल सी बात है, ऑडिशन दीजिए, फ्री में ऑडिशन दीजिए, जहाँ भी जाए जो पैसे मांगे अपना चुपचाप निकल के बाहर आ जाइए, ठीक है। अगर आप कहीं फंस गए ना, तो भाई देखो मैं तो आपको जागरूक कर रहा हूँ चीजों के लिए, संभल के और साथ ही संभल, ठीक है। उसके बाद है 6 नंबर पे ज्वाइन एक्टिंग स्कूल, जरूरी है। ये कई तरह के लोगों से सवाल जो है जहन के अंदर आता है कि क्या एक्टिंग स्कूल जरूरी है। जी हाँ, एक्टिंग स्कूल जरूरी इसलिए होता है कि अगर आप एक्टिंग स्कूल में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप फेसबुक ज्वाइन करेंगे, उससे क्या होगा कि आप जो एक्टिंग करते हैं, आपकी जो एक्टिंग स्किल्स है वो पॉलिश होती है। एक एक्टर होता है ना, उसे चमकाया जाता है, उसकी डायलॉग डिलीवरी पर काम होता है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन पर काम होता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज पर काम होता है, गेस्चर पोस्चर पर काम होता है, तमाम चीजों पर काम होता है एक्टर के लिए। एक एक्टर ऐसे नहीं बन जाता कि बस बोल दिया और एक्टर बन गया, नहीं, उसे कैमरा फियर बनाना पड़ता है, उसके अंदर डर लगाना पड़ता है कैमरे का भी। मंच पे हजार लोग सामने खड़े हैं और वो लोगों को संबोधित कर रहा है या फिर अपनी एक्टिंग कर रहा है, तो वो कॉन्फिडेंस आना चाहिए, वो दिखता है चीज़, अगर वो दिखता है आपके अंदर तो परफेक्ट आप बाहर निकल सकते, ठीक है। तो एक्टिंग स्कूल इसलिए जरूरी हो जाता है, ठीक है। अगर आप एक्टिंग स्कूल के लिए आपके पास पैसे नहीं है, तो आप कोई थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो आपके शहर के अंदर होता हो। उस थिएटर ग्रुप से आप बहुत सी चीजें सीखेंगे, आपके लिंकअप बनेंगे और आप आगे भी बढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब जो सातवां है वो मेरा सवाल है और उसका जवाब भी मैं दूंगा। जवाब यह है कि पहले तो सवाल पूछ लेते हैं, सवाल ये है कि इसका वीडियो का मकसद है और मोटिवेट है। इसका सवाल का जवाब यह है कि वीडियो का मकसद साफ यह है कि आप लोगों को जागरूक करना है, क्योंकि देखो दोस्तों, आप लोग भी मिडिल क्लास से हैं, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, जो प्रॉब्लम मैंने फेस करी थी शायद वो भी आप फेस कर रहे होंगे, कई लोग जो हमसे आगे आए वो भी फेस कर चुके होंगे। तो मेरा मकसद, मेरे इस वीडियो का मकसद या मेरे चैनल का मकसद साफ तौर पर यही होता है कि आपको फ्रॉड करने वालों से बचाया जाए, आपको फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हुई सही सही जानकारी दी जाए। फिल्म इंडस्ट्री के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो आपको हमेशा सपोर्ट करेंगे, आपको बढ़ावा देंगे, आपके टैलेंट को समझेंगे, आपको आगे पुश करेंगे। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो आपका करियर तो करियर बर्बाद कर देंगे, आपको घर बैठा देंगे, उनसे बचना पड़ेगा। उनसे बचने के लिए आपको खुद से खुद अपना सिक्स सेंस का इस्तेमाल करना होगा, आपको खुद सोचना पड़ेगा कि भैया मैं ये फैसला लेता हूँ तो मैं कितना आगे पहुंच पाऊंगा। वो तो किस्मत के ऊपर है, डेस्टिनी के ऊपर है कि आप कहीं पर अच्छा भी साबित होते हैं, कहीं पर गलत भी साबित होते हैं। तो ये थोड़ा सोच समझ कर ये जो वीडियो होते हैं थोड़ा मोटिवेट करते हैं आपको, आपकी लाइफ में आगे बढ़ने के आपको प्रेरित करते हैं। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का मकसद साफ था कि अगर आप बॉलीवुड इंडस्ट्री में ज्वाइन होना चाहते हैं, बॉलीवुड इंडस्ट्री को ज्वाइन करना चाहते हैं, अगर आप एक्टर या एक्ट्रेस बनना चाहते हैं, तो आपके लिए ये सवाल जहन में आना स्वाभाविक है, इनका हल यही है। कई लोग ये भी कहते हैं कि दोस्तों कि मेरे माँ बाप मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं। दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप इंडस्ट्री में आ जाते हैं तो आपको जो भी काम मिले इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ वो काम कीजिए और पैसा थोड़ा बहुत कमाइए। पैसा कमाएंगे, माँ बाप के हाथ में चार पैसा देंगे तो वो भी खुश हो जाएंगे। हम मिडिल मैन की यही दिक्कत होती है कि जब तक माँ बाप के हाथ में चार पैसा ना रख दूँ ना, तब तक वो भी नहीं कहते कि बेटा कुछ करता है। नहीं तो कहेंगे कि जाता है जी, सुबह जाता है, शाम तक आता है, पता नहीं क्या करता है, इसका तो पिछले 4-5 साल से कुछ हुई है। तो इसलिए जो भी आप काम मिले, आप शुरू में काम कीजिए, जैसा वैसा काम मिल रहा मिलिए, काम कीजिए, पैसा कमाइए, घर वालों को दीजिए, उन्हें थोड़ा सेटिस्फेक्शन दीजिए। वो जब सेटिस्फाई होंगे तो आपको समझेंगे, जब आपको समझेंगे तो आगे बढ़ने के लिए वो आपको भेजेंगे, ठीक है। तो दोस्तों, मेरे इस वीडियो का मकसद ये है कि आप थोड़ा मोटिवेट हो, आप थोड़ा समझ में आए, आप थोड़ा फ्रॉड लोगों से बचे और आपको सही सही जानकारी बॉलीवुड इंडस्ट्री जुड़ी हुई मिलती रहे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो, प्लीज लाइक शेयर कमेंट करके जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब मैं लास्ट में कहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, आपको नॉलेज का है, आपको जानकारी मिल रही है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए और उसे क्लिक करेंगे तो अपडेट और लेटेस्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा वो आपको अगली बार मिलते रहेगा।